2 साल के पेपरों को आप एनालाइज करो तो उसमें यह पता चलता है कि भाई पॉलिटी एंड इकोनॉमी दो सब्जेक्ट्स हैं जहां पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने लगे हैं। एंड इसमें अगर आपको दिक्कत हो रही है, आपको लक्ष्मीकांत पढ़ के या कोई भी इकोनॉमी की किताब पढ़ के नहीं समझ आ रहा है कि भाई बेसिक्स क्या है, किस तरीके से इनको डील करना है, देर इज नो बेटर रिसोर्स देन एनसीईआरटीज। एक पॉलिटी की एनसीईआरटी है आपकी क्लास 11th की, आर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इकोनॉमी की एनसीईआरटी है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जिनमें आपको फॉर्मूलाज नहीं देखने हैं, बट बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपने वहां से कर लिए तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज 20 क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स बहुत आसानी से। एनसीईआरटी से बेटर रिसोर्स इसमें कुछ नहीं है, बेसिक्स कवर करके चलो, काफी कुछ हो जाएगा।